जनवरी के महीने में इंदौर शहर में प्रवास भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाला है। यह आयोजन करीब 5 दिनों तक चलेगा। ऐसे में इंदौर शहर में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश विदेश से आए मेहमान और निवेशक शामिल होने वाले हैं। जनवरी के 5 दिन इंदौर शहर के लिए बेहद खास है। इसको लेकर इंदौर प्रशासन जोरों शोरों से शहर को खूबसूरत बनाने के लिए और स्वच्छ का तंबू हासिल करने के लिए कई तरह के प्रयास कर रहा है। वहीं प्रवासी भारतीय सम्मेलन और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर प्रशासन की तैयारी अंतिम चरणों में चल रही है। इन आयोजन को खास बनाने के लिए इंदौर नगर निगम द्वारा भी एक प्रयास किया जा रहा है, जिसके तहत इन आयोजन को कार्बन न्यूट्रल बनाया जाएगा। दरअसल इन आयोजन में इस बात पर जोर दिया जाएगा कि कार्बन उत्सर्जन कम से कम हो और यह पूरा आयोजन जीरो व्यस्त हो। ऐसे में नगर निगम करीब 40,000 कार्बन क्रेडिट हासिल करने में लगी हुई है। इन क्रेडिट को हासिल करने के बाद इसे वैश्विक मंच पर बेचा जाएगा, जिसके चलते इंदौर करीब 1 करोड़ रुपए की कमाई कर सकता है। इसके अलावा इस आयोजन में सार्वजनिक इलेक्ट्रिकल व CNG परिवहन बसों का इस्तेमाल ज्यादा किया जाएगा। मेहमानों को लाने और ले जाने और सभी सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पूरी तैयारी की जा रही है।